हेलो दोस्तों, मिठाई या बर्फ़ी आपने तो बहुत बनाई या खाई होगी। आज हम लीची फ्लेवर की एक बर्फ़ी बना करके तैयार करेंगे, एकदम यूनिक स्टाइल। और ये दिवाली के लिए एकदम परफेक्ट है। इसे बना करके 15 से 20 दिन तक आप फ्रिज में रख सकते हैं और ये मिनटों में बन करके तैयार हो जाती है। तो इसके लिए मैंने आधा कप काजू और बादाम को मिक्स करके लिया है। आप सिर्फ बादाम या सिर्फ काजू भी ले सकते हैं। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा ये कंची फ्लेवर में आ जाए, बस उतना ही। अब उसी पैन में 1/4 कप और 2 चम्मच और हमने वाटरमेलन यानी कि तरबूज के बीज ले लिए हैं और इसे भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर देंगे जब तक ये फूलेगी, बस उतना ही। अब इन सभी को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब एक मिक्सी जार में डाल करके हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत इसे हमें बारीक नहीं करना है और बहुत खड़ा भी नहीं रखना है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे दरदरा सा पीस लिया है। मैं हाथों से भी दिखा रही हूँ आपको। बहुत इसका हमने पेस्ट नहीं बनाया है, पल्स मोड पर इसे हम पीस लेंगे। यानी कि एक बार मिक्सी चालू बंद करके हम पीस लेंगे। अब उसी पैन में मैंने 3 कप नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। करीब 2 से 3 मिनट तक इसे हम भून लेंगे। इसके बाद यहाँ मैंने 1/2 लीटर फुल फैट क्रीम वाला दूध डाला है। आप कोई भी दूध ले सकते हैं और ये दूध मेरा पहले से गर्म किया हुआ है, गर्म करके ठंडा कर लिया है मैंने। आप कच्चा दूध भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने जो पीस करके ड्राई फ्रूट रखा था उसको भी डाल देंगे। अब यहाँ पर मैं 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर मिल्क पाउडर ना हो ना तो आप दूध को 1 लीटर कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। या तो आपके घर में मावा पड़ा हो तो उसे भी आप डाल सकते हैं, उससे और बढ़िया इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लीची का फ्लेवर नहीं देना चाहते हैं तो इलायची पाउडर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आज लीची फ्लेवर में बना रही हूँ, इसलिए इलायची पाउडर वगैरह का यूज नहीं करूँगी। अब इस वक्त इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। तो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। जब ये अच्छे से पैन छोड़ने लग जाएगा तब इसमें हम लीची का फ्लेवर देंगे। तो इसे देखिए, मैं थोड़ी देर तक भून लूँगी और ये देखिए इस तरह से पैन को छोड़ने लग गया है। पैन में नीचे बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। आप देख सकते होंगे कि थोड़ा सा कोकोनट ने ऑयल भी रिलीज़ करना शुरू कर दिया। यहाँ हमने घी वगैरह किसी चीज़ का यूज नहीं किया। अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस लीची क्रश को डालेंगे। यहाँ पर आप लीची का जो टीन में लीची आती है उसका भी यूज कर सकते हैं, या फ्रेश लीची हो उसका भी यूज कर सकते हैं, उसको पीस करके डाल सकते हैं। तो अभी मैंने 1 कप डाला है, 1/2 कप मैं और डालूंगी। टोटल 1.5 कप यहाँ पे मैं लीची का फ्लेवर डाल रही हूँ। यहाँ पर लीची का जो एसेंस वगैरह आता है इस क्रश में मिक्स होता है, तो इसमें लीची का फ्लेवर अपने आप आ जाएगा। अब 1/2 कप मैंने और डाल दिया है। अगर आप फ्रेश लीची का यूज करते हैं तो आपको एसेंस वगैरह कोई चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है। लीची से इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। इसी तरह से आप कोई और स्ट्रॉबेरी क्रश हो या ब्लैकबेरी क्रश हो, आप उस फ्लेवर का भी इस बर्फ़ी को बना सकते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब देखिए, आप पैन एकदम अच्छे से ये रिलीज करने लग गया, लेकिन इसमें मिठास थोड़ी कम होगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमने क्रश यूज किया है। तो यहाँ पर 1/2 कप मैं चीनी का भी यूज कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी का यूज कर सकते हैं। तो 1/2 कप और 2 चम्मच के करीब और मैंने यहाँ चीनी डाल दिया है फ्रेंड्स। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। यहाँ हमें चीनी को पीसने की या चीनी के पाउडर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रेगुलर चीनी इसमें डाल सकते हैं। तो थोड़ी ही देर में, करीब 2 से 3 मिनट में हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी और देखिए ये इस तरह से पैन को एकदम छोड़ देगी और ये डो के फॉर्म में आने लग जाएगा। अब इसे हम पहचानेंगे कैसे? तो इसे हमने एक प्लेट में लेकर के ऐसे रख देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसके बाद इसका हम गोल बना करके देखेंगे। इस दौरान हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। तो देखिए, ये अच्छे से इस तरह से गोल हो रहा है, इसका मतलब ये बर्फ़ी सेट होने के लिए तैयार है। अब इसे हम पैन में इसी तरह फैला करके छोड़ देंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तब हम किसी थाली में या इस तरह की ट्रे में
मैं इस तरह का पार्चमेंट पेपर लगा दे रही हूँ। वैसे आप इसमें पेपर भी नहीं लगाएंगे ना तो भी ये बहुत बढ़िया से सेट होकर के निकल जाएगी। तो आधा मैंने इस ट्रे में कर लिया है फ्रेंड्स, डाल दिया है, और आधा मैं किसी थाली में डाल करके सेट कर लूँगी। तो देखिए बहुत अच्छे से इसको हमें फैला देना है। आप देख सकते होंगे हल्का हल्का इसमें ऑयल रिलीज हो गया, बट जब ये ठंडा होगा ना पूरी तरह से तो इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं रहेगा। ऊपर से आप चाहें तो सिल्वर फॉइल यानी कि चांदी की वर्क जो आती है उसको भी लगा सकते हैं, या मेरी तरह इस तरह से ड्राई फ्रूट से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया से ये सेट हो जाएगी फ्रेंड। ड्राई फ्रूट को भी मैं ऐसे हल्के हाथों से दबा करके चिपका दे रही हूँ। अब इसे 1 से 2 घंटे के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे। अब देखिए प्लेट में मैं इसे फैला रही हूँ जिसमें कि मैंने ऑयल वगैरह से बिल्कुल भी ग्रीस नहीं किया है। अब यहाँ पर इसको भी हम फैला करके अच्छे से सेट कर लेंगे। ऊपर से इसमें भी मैं ड्राई फ्रूट डाल दे रही हूँ। करीब ये 2 से 2.5 किलो हमारी बर्फी बन करके तैयार हुई है फ्रेंड्स। अगर आप जल्दी में हैं फ्रेंड्स तो इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, और अगर आपके पास टाइम है तो ये 1 से 1.5 घंटे में बाहरी रूम टेम्परेचर पे अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखिए दोनों प्लेट मेरी अच्छे से सेट हो गई। इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए आधे घंटे बाद मैंने इस प्लेट को बाहर निकाला है। बहुत ही बढ़िया से ये सेट हो चुकी है। अब इसे हम काट के भी देख रहे हैं कितनी बढ़िया सी हमारी ये बर्फी सेट हो चुकी है। देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी ये बर्फी कट करके निकल रही है फ्रेंड्स। एकदम हमारी चाकू जो है एकदम क्लीन निकल रही है, यानी कि बहुत बढ़िया सी हमारी ये बर्फी सेट हो चुकी है। तो मैं देखिए इसे काट ले रही हूँ, स्क्वायर पीस में मैं इसे काट रही हूँ। आप अपने मन चाहे आकार में इसे काट सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसे हम निकाल कर भी देख लेते हैं। तो एक मैं बड़ी प्लेट में इसे निकाल ले रही हूँ और निकाल के दिखाती हूँ आपको कि कितनी बढ़िया हमारी ये मिठाई तैयार हो चुकी है। और इसका आप टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया हमारे इस मिठाई का टेक्सचर आया हुआ है फ्रेंड्स। मैं इसे तोड़ करके भी आपको दिखा दे रही हूँ कि देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट और बढ़िया सी हमारी ये मिठाई बन चुकी है। तो फ्रेंड्स इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।